वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर फोर्थ चैप्टर दैट इज मैंगोज राउंड द ईयर. मैंगोज यू ऑल नो दैट वी कॉल मैंगोज किंग ऑफ फ्रूट्स. वेरी गुड. किंग ऑफ फ्रूट्स हम मैंगोज को बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आया था फूड स्पॉइलेज. वी लर्न अबाउट द फूड स्पॉइलेज. यू ऑल सी दैट सम फूड आइटम्स गॉट बैड. We cannot use them again. For example, if you are going to cook rice, you cannot eat that rice after 2-3 days. What is this? This is food spoilage. Food spoilage होता क्या है? आप लोगों को पता है कि कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ खाने के आइटम्स जो खराब हो जाते हैं, जिनको हम बार बार यूज नहीं कर पाते, 2-3 दिन बाद जो खराब हो जाते हैं. खराब होना क्या होता है? फूड का खराब होना. तो फूड स्पॉइलेज इज दैट कंडीशन इन विच फूड हैड गोन बैड. फूड हैड gone bad and unfit for our use. Unfit for us. If we use that spoiled food, we may fall sick. अगर हम उस spoiled food को use करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. This condition जिसमें हमारा खाना खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसी को तो food spoilers कहते हैं. Now point came that what is the difference between food spoilers and food wastes? Two words are there. Spoilage and wastage. What is the difference between the food spoilage and food wastage? Food spoilage is that condition in which food had got bad. We cannot use this food. If we are going to use this food, we all may fall sick. But food wastage, in food wastage, we throw food that was good, not bad. In food wastage, food is good for us. For us, but we throw that. Food wastage में क्या होता है कि खाना ठीक होता है, हम लोग खा सकते हैं उसको, लेकिन हम लोग उसको फेंक देते हैं. उसको फेंकने की बजाय हम उसको किसी और पीपल को दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, नीडी लोगों को दे सकते हैं. वो होता है फूड वेस्टेज. जब खाना खराब नहीं होता हम उसको फेंक देते हैं, यूज नहीं करते. और फूड स्पॉइलेज में खाना खराब हो जाता है, हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे. अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. नाउ अब बात आती है कि फूड स्पॉइलेज होता कैसे है और ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं दैट गॉट स्पॉइल्ड क्विकली. फूड आइटम्स दैट गॉट स्पॉइल्ड क्विकली. ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, दूध, 2-3 दिन तक चलेगा हमारा. उसके बाद और क्या क्या आ जाएगा इसमें. मिल्क के साथ है दाल, कुक्ड राइस, बनाना. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फूड आइटम्स के जो हमारे बहुत जल्दी स्पॉइल्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. इनको हम 2-3 दिन से ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे. दे विल गोट स्पॉइल्ड इजिली. इसीलिए ये फूड आइटम्स ऐसे होंगे जो 2-3 दिन में हमारे खराब हो जाएंगे. उसके बाद कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो 1 वीक तक भी खराब नहीं होते. फूड आइटम्स जो 1 वीक तक हमारे चल जाएंगे वैसे कौन कौन से होंगे. टोमेटो, आप हर रोज तो टोमेटोज नहीं खरीदते. पोटैटोज, गार्लिक, ये हमारे फूड आइटम्स कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब नहीं होते, जो हमारे 1 वीक तक भी चल जाते हैं. इसके अलावा ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग समय तक भी चल जाते हैं, जिसको हम बार बार बहुत लंबे समय तक भी यूज कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जो लंबे समय तक चलेंगे वो कौन कौन से होंगे. फूड ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, अनकुक्ड है बेटा ये व्हीट, राइस बिना पके हुए कच्चे. इसी तरह से कच्चे फ्रूट्स भी जो हमारे लंबे समय तक चल जाते हैं, ऐसे फूड आइटम्स हैं. घी, घी भी हमारे जल्दी से खराब नहीं होता. ऑयल, बिस्किट्स, ये सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो लंबे से चल जाते हैं. आफ्टर दैट वी डू एन एक्सपेरिमेंट. हमने क्या देखा था, हम लोगों ने ब्रेड देखा था, ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड की हम लोगों ने क्या की थी, ब्रेड मोल्ड हमने इन्वेस्टिगेशन देखी थी. उसमें हम लोगों ने क्या देखा था दैट इफ वी कैप्ट अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी फॉर 2-3 डेज आफ्टर, उसके ऊपर अगर आप पानी की बूंदे डाल देंगे और उस ब्रेड को या रोटी के टुकड़े को कुछ दिन तक रख देंगे, तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स
लाइक ग्रीन ग्रीन फंगस के ऊपर आ जाएगी, आपको धब्बे पैचेस दिखाई देंगे उसके ऊपर, वो कहाँ से आए, क्या है वो? वो होते जिससे हमारा खाना सड़ गया, स्पॉइल्ड हो गया, वो हमारे साइन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई भी, अगर हम लोग हाउ वी विल रिकॉग्नाइज दैट आवर फूड इज स्पॉइल्ड, हैज स्पॉइल्ड, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खाना जो है स्पॉइल्ड हो चुका है? हाउ वुड यू नो दैट आवर फूड हैज स्पॉइल्ड? आपको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आपको पता लगेगा कि तो जो आपका खाना है वो खराब हो चुका है? इसके क्या क्या साइंस होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पहला हमारा क्या होगा, चेंज इन स्मेल, या फिर हम लोग लिखेंगे बैड स्मेल, बैड स्मेल, आवर फूड विल प्रोड्यूस बैड स्मेल। सेकेंड, चेंज इन कलर, द कलर ऑफ आवर फूड विल चेंज। और थर्ड में हम लोग क्या देख पाएंगे उसके ऊपर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पैचेज, व्हाइट पैचेज, ये सब अगर हमारे खाने के ऊपर आपको दिखाई दे रहे, खाने के आइटम पे, फूड आइटम पे दिखाई दे रहे, इसका मतलब क्या है, वो आपका खाना स्पॉइल्ड हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर उसमें से गंदी गंदी स्मेल आ रही है, अगर उसका चेंज हो गया कलर, अगर उसके ऊपर आपको कुछ पैचेस दिखाई दे रहे, धब्बे दिखाई दे रहे, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो खाना हमारा खराब हो चुका है। अब ये खाना में ये सब चेंजेस होते हैं तो हमें पता चल गया, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारा खाना खराब हो गया। अब वो कंडीशन, वो कॉजेस क्या है जिससे ये खाना खराब होता है, व्हाट आर द कॉजेस? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही वो कॉज है जो हमारे खाने को स्पॉइल करता है, खराब करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वी कैन, दीज आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं, वी कैन नॉट सी दीज, हम इन लोगों को देख, हम इनको देख नहीं सकते, वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, हम इनको केवल माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, वैसे हम इनको अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, ये हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं। और जो खाना स्पॉइल होता है वो किन किन कंडीशन में होता है, अगर उसके अंदर एयर है, अगर हमारे खाने में मॉइस्चर है, और उसमें और क्या क्या हो सकता है, या फिर हमारे वार्म टेम्परेचर, ये हमारी कंडीशन है जिसमें हमारा खाना स्पॉइल होता है, दीज आर कंडीशन विच स्पॉइल अवर फूड, एयर, मॉइस्चर, वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर का मतलब होता है गर्म तापमान। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो खाना होता है वो या तो रेनी सीजन में जल्दी खराब होता है या समर सीजन में जल्दी खराब होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर वार्म होता है और रेनी सीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो वार्म टेम्परेचर, अगर हम, ये हमारी कंडीशन है जो खाने को खराब करती है, स्पॉइल्ड करती है, अगर हम इन कंडीशन को हटा देंगे तो हमारा खाना खराब होने से बच जाएगा। तो वो टेक्निक क्या क्या होंगी, अगर हमें बता, हम लोग अगर व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप फूड फॉर स्पॉइल्ड, हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा खाना है वो खराब ना हो, तो जो ये कॉजेस, ये जो कंडीशन थी, इनको हम रिमूव कर देंगे। सो व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप फूड फॉर गेटिंग स्पॉइल्ड, खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला, रिमूव मॉइस्चर, हमने पढ़ा कि मॉइस्चर से खाना खराब होता है तो हम उस मॉइस्चर को ही रिमूव कर देंगे। और इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर को कैसे रिमूव करते हैं, फूड आइटम को सनलाइट में रख के। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा हमारे घर में हमारी मम्मा होती है, वो लोग जो हमारा राइस होता है या व्हीट के ग्रेन्स होते हैं उनको धूप में रखते हैं ताकि उसके अंदर जो कीड़े सुरसी वगैरह हो जाते हैं वो खत्म हो जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर खत्म हो जाएगी सनलाइट में, मॉइस्चर रिमूव हो गई तो हमारा खाना खराब नहीं होगा, स्पॉइल्ड नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूविंग वार्म टेम्परेचर, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर को कम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, फ्रीज, खाने को फ्रीज में रखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूविंग एयर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम कुछ फूड आइटम्स को
वैक्यूम पैक करते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं उसकी। वैक्यूम पैकिंग में सारी एयर को पैकेट से बाहर निकाल दिया जाता है और खाने को लॉन्ग समय तक स्टे कर दिया जाता है। उसके बाद फोर्थ हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब ये प्रिजर्वेटिव एक नया वर्ड आया है, व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, इसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे कि फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो हमारे खाने को खराब होने से बचाते हैं। दे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देंगे, रोक देंगे। फूड प्रिजर्वेटिव अगर हम लोगों ने खाने में ऐड कर दिया तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को स्पॉइल करते हैं, तो अगर इन्हीं को हमने रोक दिया तो हमारा खाना सड़ेगा नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ को रोक देते हैं और हमारे खाने को खराब होने से बचाते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल। हम लोग घरों में जब हमारी मम्मा लोग पिकल बनाती हैं, अचार बनाती हैं, उसमें ऑयल डालती हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल क्या करेगा, मॉइस्चर को कम कर देगा, उसका असर नहीं होगा मॉइस्चर का अगर हम लोग ऑयल फूड आइटम में डाला हुआ है। तो ऑयल, विनेगर, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, शुगर या जैगरी, ये सब हमारे फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। अगर हमारे खाने में हमने शुगर बहुत ज्यादा डाल दी तो हमारा वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम, तो खाना स्पॉइल्ड होने से बच जाएगा। तो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव शुगर काम करेगा। उसी तरह से विनेगर, ऑयल, ये सब हमारे क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द आइटम्स मेड फ्रॉम राइस एंड अनराइप मैंगोज कि कच्चे आम से क्या क्या बनता है और पके हुए आम से क्या क्या बनता है। तो अनराइप मैंगोज जो होंगे उसके हम लोग क्या क्या बनाते हैं, अनराइप मैंगोज से आइटम क्या क्या हम बनाएंगे, पिक्कल। हमारी मम्मी घर में अचार बनाती है वो अनराइप मैंगोज से बनता है, पिक्कल हो गया। इसी तरह से राइप मैंगोज से हम क्या बनाएंगे, आप जो बनाते हो राइप मैंगोज से, आम पापड़, आम पापड़, मैंगो शेक, ये सारी चीजें आप राइप मैंगो से बनाते हैं। अनराइप मैंगो से पिकल, अचार हम लोग बनाते हैं, सब वेजिटेबल भी, सब्जी भी हम लोग बनाते हैं। तो ये आइटम्स हमने पढ़े थे। उसके बाद टॉपिक आता है टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि जो हमने फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा कि हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव ऐड कर देंगे तो हमारा खाना स्पॉइल्ड नहीं होगा, तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है, मेथड्स या टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या टेक्निक्स पढ़ी थी, फर्स्ट है फ्रीजिंग, हम लोग खाने को फ्रिज में रख देते हैं ताकि उसका जो वार्म टेम्परेचर है वो वार्म ना रहे, उसको ठंडा टेम्परेचर मिल जाए, तो उसको फ्रीजिंग करते हैं, तो इसे फूड प्रिजर्वेशन नहीं होगा, ये मेथड हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या पढ़ा, ड्राइंग, कि खाने को सनलाइट में रखते हैं, सुखा देते हैं उसका मॉइस्चर कम कर देने के लिए। उसके बाद अगला मेथड आता है पिकलिंग, हम खाने को लॉन्ग स्टे करने के लिए उसका अचार बना देते हैं, पिकलिंग द फूड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एडिंग फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव अभी हमने पढ़े थे, फूड प्रिजर्वेटिव हमने अभी पढ़े थे कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं और खाने को खराब होने से बचाते हैं। तो उन फूड प्रिजर्वेटिव को
अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा फूड प्रिजर्वेशन हो जाएगा, फूड हमारा लॉन्ग समय तक चल जाएगा, लंबे समय तक चलेगा, हम उसको खा सकते हैं। इसी तरह से जैसे पोटैटो है, अगर हमें पोटैटो को प्रिजर्व करना तो हम क्या करेंगे, हम पोटैटो को चिप्स बना देते हैं। उसी तरह से अगर हमें कच्चे आम को प्रिजर्व करना तो हम क्या करेंगे, हम कच्चे आम का अचार बना देते हैं, पिकलिंग मेथड हो गया। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे हम खाने को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। फ्रीजिंग, ड्राइंग, पिकलिंग, एडिंग फूड प्रिजर्वेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, शुगर, विनेगर, ये सब हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ऑब्जर्व करना कोई भी फूड पैकेट, उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। पहला उसके ऊपर होती है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि वो जो फूड आइटम उस पैकेट में है वो किस डेट को कब उसको बनाया गया था। उसके बाद होता है डेट ऑफ पैकिंग, कि उसको कब पैक किया गया था। फिर उसके अलावा उसमें और क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट। अगर आप लोग इफ यू विल यूज दैट फूड आइटम आफ्टर द एक्सपायरी डेट, यू मे फॉल सिक। अगर हम किसी भी फूड आइटम को एक्सपायरी डेट के बाद यूज करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, बिकॉज एक्सपायरी डेट के बाद वो फूड आइटम जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, उसमें स्पॉइल करना शुरू कर देगा, वो खराब हो जाएगा, वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होगा, अनफिट रहेगा वो हमारे लिए। तो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। और क्या क्या होती है, कैलोरी वैल्यूज होती हैं, कि उसके अंदर कितनी हमें कैलोरी मिलेगी उसको हम फूड आइटम को अगर खाएंगे यूज करेंगे। और क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी होता है, कि जो फूड आइटम उस पैकेट में है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो ये सब हमारे फूड पैकेट जो आप लोग खरीदते हो, चाहे बिस्किट खरीदो चाहे केक खरीदो, तो आप लोग को ये ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर किसी फूड आइटम की एक्सपायरी डेट जा चुकी है तो उसको आपको रिटर्न कर देना चाहिए, उसको खरीदना नहीं चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मेकिंग ममीदी तंद्रा। आप लोगों को मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में ममीदी तंद्रा किसको कहते हैं, आप लोगों के आम पापड़ को, जिसको आप लोग आम पापड़ बोलते हो। आम पापड़ या ममीदी तंद्रा एक ही बात है। इसका प्रोसेस क्या था, हम इसको प्रिपेयर करने का, तैयार करने का, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये किससे बनता है, ये राइप मैंगोज से बनता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चूज राइप मैंगोज, पके हुए आम आपको चूज करने पड़ेंगे, मैंगोज। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, आप लोगों ने राइट मैंगोज को चूज कर लिया, फिर उसको क्या करना है, प्रिपेयर मैंगो पल्प। आपको उस मैंगो को सभी को आराम अच्छे से धोकर साफ करके उसका छिलका उतार लेना है और उसका पल्प तैयार कर लेना है, उसका रस अच्छे से किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हमारा उसका मैंगो सब पल्प तैयार हो जाएगा, थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, जब हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक ये तैयार हो जाएगा, मैंगो पल्प आ जाएंगे, फिर उसके अंदर हमें शुगर ऐड करना है, ऐड शुगर। व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड शुगर, बिकॉज शुगर विल एक्ट एज फूड प्रिजर्वेटिव, वो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा, जो हमारे आम पापड़ का टेस्ट भी बढ़ाएगा और उसको स्पॉइल होने से भी बचाएगा। एड शुगर, उसके बाद उसको अच्छे से मिला देंगे, मिक्स वेल। फिर क्या करेंगे, जो हमारा ये पूरा पेस्ट बन के तैयार हुआ, इस पेस्ट को हम स्प्रेड कर देंगे प्लेटफॉर्म पे, स्प्रेड ऑन प्लेटफॉर्म, अच्छे से, या तो किसी मैट पे स्प्रेड करेंगे या आपका जो भी प्लेटफॉर्म आप बनाएंगे उसके ऊपर आप इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। सिक्स पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग इन सनलाइट, उसको धूप में रखेंगे, लेयर स्प्रेड कर दिया हमें, लेयर के एक लेयर क्या स्प्रेड कर दिया प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद ड्राइंग इन सनलाइट, उसको सनलाइट में रखेंगे, धूप में रखेंगे। जब एक लेयर हमारी अच्छे से सूख जाएगी तब हम उसके ऊपर अगेन एंड अगेन दूसरी लेयर रखते चले जाएंगे, अगेन एंड अगेन, स्प्रेड मोर लेयर्स, उसकी और परतें उस पर चढ़ाते चले जाएंगे, किसकी, अपने मैंगो पल्प की जो हमने तैयार किया है। योर ममीदी तंद्रा या आम पापड़ इज रेडी, फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा पूरा प्रोसेस था, मेथड था। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा, सो
वी शुड नॉट वेस्ट अवर फूड, हमें अपने फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए और स्पॉयलेज को प्रिवेंट करने के लिए हमें मेथड्स यूज करने चाहिए, फ्रीजिंग, ड्राइंग, पिकलिंग जो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने देखा फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं, खाना हमारा बच जाता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे उसके बारे में पढ़ा था कि आपकी रेसिपी क्या क्या होती है पिकल बनाने के लिए, और क्या क्या कौन कौन से पिकल हम लोग यूज कर सकते हैं, आंवला, मैंगो, लेमन, तो बहुत सारे पिकल्स हमारे घर में हमारी मम्मा यूज करती है। वो किस लिए होता है, ताकि हम उस फूड आइटम को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाएं।